के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो इस साल बच्चे एग्जाम दे रहे हैं 10th क्लास के, स्पेशल हिंदी का क्लास है आज। इस पूरे वीडियो में अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो आपके हिंदी के एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसकी फुल गारंटी है। जितना आपको सिलेबस बताया जा रहा है इतना पढ़िए, इस पूरा वीडियो को पढ़िए, आप पूरा देख लीजिए, आपका पूरा हिंदी निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको वीडियो के देखने के बाद और एग्जाम देने के बाद पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामर से और हिंदी में पूछता क्या है आपको। तो आपको सिलेबस पता होगा, यहाँ पे केवल सिलेबस बताया जा रहा है, आपसे निबंध पूछा जाएगा, आपको भी पता होगा ये कन्फर्म है। दूसरा लेटर यानी पत्र आपसे पूछा जाएगा, ये भी कन्फर्म है। तीसरा संवाद, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होता है उसे हम संवाद कहते हैं, जैसे नर्स और रोगी के बीच, डॉक्टर और रोगी के बीच, गुरु और शिष्य के बीच, ग्राहक और दुकानदार के बीच संवाद। तो दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसी को हम बोलते हैं संवाद। ये तो कन्फर्म है दो, लेकिन इस ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और एक पूछता है आपसे गधांश, तो गधांश को पढ़ के आंसर देना होता है, उसमें दिया रहेगा 10-15 लाइन का, उसको पढ़ के उसका क्वेश्चन नीचे रहेगा, उसका आंसर देना होता है आपको। तो पत्र निबंध ये सब कन्फर्म रहता है, संवाद पूछ भी सकता है नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि संवाद आ भी सकता है। चलिए उसके बाद से अगर हम हिंदी किताब से अगर पूछें तो आपके 10th में दो बुक है, सेकेंड हिंदी और फर्स्ट हिंदी। तो सेकेंड हिंदी में आपका जो है 5 कहानी है, उसमें से दही वाली मंगमा माँ कहानी है, नगर कहानी है, ढहते विश्वास कहानी और धरती कब तक घूमेगी, 5 कहानी है। तो पाठ का नाम, लेखक का नाम, उनका जन्म और किस भाषा की कहानी है, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है, ये सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेंगे। और फर्स्ट हिंदी की बात करें तो उसमें गद और पद दो भाग है, तो उसमें एक ये जरूर पूछता है कि सप्रसंग व्याख्या करें, ये जरूर पूछेगा सप्रसंग व्याख्या करें, ये जरूर पूछता है। उसमें किसी कविता का 2 लाइन या 3 लाइन देगा और उसका पूछ देगा कि सप्रसंग व्याख्या करें, तो उसमें आपको बताना होता है कि प्रस्तुत पंक्ति कहाँ से ली गई है, उसके लेखक कौन है, उसमें क्या कहा गया है, इसका परिचय आप जरूर दीजिएगा। जैसे आपका है नींद कविता, हमारी नींद कविता है, लौट कर आऊंगा फिर, मेरे बिना तुम प्रभु, गुरु नानक जी का है, अति सुदूषण कुमारग, प्रेमायनी श्री राधिका रसखान। तो ये आपको याद रखना होगा कि ये पंक्ति किस कविता है, किस लेखक की, किस कवि की है, उनका जन्म, इसमें भी वही चीज पूछता है, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं जरूर याद रखिएगा। पद भाग की बात करें तो आपका प्रथम जो चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, भीमराव अंबेडकर का उनका जन्म, उसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया, ललित सिंह यादव, ये सारी क्वेश्चन आपको पढ़ना है। उसके बाद है 20 के दांत, नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, भारत से हम क्या सीखें, मैक्स मुलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नागरी लिपि, गुणाकर मूले। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, ये हो गया। अब अगर हम व्याकरण की बात करें, ग्रामर की बात करें, तो इसमें आपको विलोम शब्द जरूर पूछता है, एकदम कन्फर्म है कि पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछे ऑब्जेक्टिव से, लेकिन पूछेगा जरूर विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये कन्फर्म है कि पूछेगा। लिंग निर्णय करने, तो लिंग निर्णय करें यदि बताना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसमें दे देगा कोई शब्द, पूछेगा कि इसका लिंग निर्णय करें, यानी बताना है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो आप एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक से पता चल जाएगा कि वस्तु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जिस शब्द के बारे में पूछेगा ना, उस शब्द पे एक वाक्य बनाइए मन में। जैसे दही एक शब्द है, तो दही पे वाक्य बनाइए मन में, दही खट्टा है कि खट्टी है, तो स्वाभाविक बात है कि दही खट्टा है, पुलिंग होगा।
तलवार शब्द है तो तलवार चमकती है कि चमकता है, तो तलवार स्त्रीलिंग शब्द है। पुलिस आ रही है कि आ रहा है, तो पुलिस आ रही है स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऐसे ही आप मन में वाक्य बना के इसका लिंग निर्णय कर सकते हैं। ये तो हो गया लिंग निर्णय। वचन, हिंदी में वचन दो होते हैं आपको पता है, एक वचन बहुवचन, परिभाषित शब्द विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये जरूर पूछता है एग्जाम में, मुहावरा जरूर पूछेगा, एकदम कन्फर्म है। इस सारी चीजें जो बताया जा रहा है कन्फर्म है। संधि विच्छेद जरूर पूछा जाएगा आपसे, कन्फर्म है। ये भी पूछा जा सकता है कि किस संधि का उदाहरण है, इस तरह का भी प्रश्न आता है। तो संधि विच्छेद आप देख लेंगे, परिभाषित शब्द हो गया, मुहावरा हो गया, विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए शब्द हो गया। उसके बाद आप पढ़ो संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण, इस तरह का क्वेश्चन। संज्ञा कोई शब्द देगा, जैसे इतिहास का ऐतिहासिक, ग्राम का ग्रामीण, प्रेम का प्रेम, इस तरह का दे देता है। तो ये जरूर आप देखिएगा संज्ञा से विशेषण। उसके बाद तत्सम तद्भव आपको पढ़ाया गया है, पूछ देगा कि इसमें कौन ये शब्द कौन सा है, तत्सम है कि तद्भव है। तो अगर संस्कृत का मूल शब्द है तो तत्सम है, और बिगड़ा हुआ रूप है तो तद्भव है। जैसे पुस्तक अगर लिखा है तो तत्सम है, लेकिन अगर किताब लिखा है तो तद्भव है। अगर पूछ देगा कि पुस्तक का तद्भव रूप क्या होगा तो किताब होगा, पुष्प का तद्भव रूप क्या है। तो इस तरह का ये सारा आपको सिलेबस बताया गया कि आपको पूछेगा क्या। अगर इतना जितना बताया गया वीडियो में इतना अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास कीजिए कि आपका हिंदी का एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है, कहीं से कुछ छूटेगा नहीं आपका। पत्र, निबंध, संवाद, सप्रसंग व्याख्या करें, विलोम शब्द, परिभाषित शब्द, लिंग निर्णय करें, वचन, अनेक शब्दों के एक शब्द, मुहावरा, संधि विच्छेद, संज्ञा से विशेषण, तत्सम तद्भव, या काल पूछ देगा, या ये पूछ देगा समास जरूर पूछता है। बाबू एक चीज छूट गया था, समास ये कन्फर्म है, समास पूछेगा, पद वगैरह पूछ देगा इसमें कौन सा समास है, तो ये कन्फर्म है। कारक चिन्ह कन्फर्म है, पूछ देगा कौन सी इसमें कौन सा कारक चिन्ह है, या कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है, या किस कारक के अंतर्गत आता है। तो कारक के 8 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होता है, सब एकदम कन्फर्म रखना है बाबू। अगर इतना आपको वो याद है तो विश्वास कीजिए इस वीडियो में आपका हिंदी का एग्जाम एकदम पूरा 100% में 100% बन जाएगा। किताब से आपको ऑब्जेक्टिव में आंसर क्वेश्चन, लेखक का नाम, पाठ का नाम, किस पाठ के लेखक कौन है, उनका जन्म, उनका मृत्यु, उनके माता पिता का नाम और उनकी रचनाएं, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे बता दें लेखक व्याख्या, ठीक है, इस लेखक पाठ का नाम, जन्म, मृत्यु और रचनाएं। अगर इतना पढ़ लेते हैं जितना सिलेबस बताया गया कि क्या पूछता है, आपके पूरे हिंदी के एग्जाम का ये सिलेबस है और यही चीज पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगर इतना पढ़ लें विश्वास रखिए आपका हिंदी का 100 में 100 बन जाएगा। थैंक यू। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।